ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान चैतन्य महाप्रभु की एक लीला यहां कही जाएगी, बहुत प्रसिद्ध लीला है। उन्होंने एक महाविद्वान को परास्त किया था। वास्तव में उसको परास्त करना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं था, यह भगवान का ही कार्य है। इससे भी चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता प्रकट होती है, इसको महद अनुभव कहते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की एक लीला कह करके इसके बाद यहां के पर्व के अनुसार जगन्नाथ उत्सव में कुछ ब्रज के गीत गाए जाएंगे। ये श्लोक की आवृत्ति नहीं करनी है, केवल पढ़ लेना है। महत्वं गंगायाः सततमिदमाभाति नितराम्। जदेशा श्रीविष्णुः चरणकमलोत्पत्ति सुभगा। द्वितीया श्रीलक्ष्मीरिव सुरनरैरर्च्यमाना। भवानी भर्तुर्या शिरसि विभवात्यद्भुतगुणा। महत्वां महिमा गंगायाः, गंगा की, सततम् सदा, निरंतर, इदम् यह, आभाति जगमग कर रही है, नितराम् पूर्ण रूपेण, जत् क्योंकि, एषा यह गंगा, श्री विष्णु, श्री विष्णु के चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, चरण कमल से उत्पन्न होने के कारण सौभाग्यवती है। द्वितीय दूसरी श्री लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी इवा की तरह, सुर नरै ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा, अर्च्य चरणः, अर्च्य माना, पूजित होकर, भवानी भर्तु हो, भगवान शिव के, या जो शिरसि सिर पर, विभवती बहुत सुंदर लगती है, अद्भुत गुणा अद्भुत गुणों वाली श्री गंगा जी। आज भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नंदोत्सव कहा जाता है, क्योंकि वे तो सूती गृह में थे और उत्सव तो नंद बाबा मनाए, इसलिए उसको नंदोत्सव कहते हैं।
इसी प्रकार नवद्वीप में भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उस उत्सव को श्री जगन्नाथ मिश्र मना रहे हैं, तो उसको जगन्नाथोत्सव कहते हैं। इस अवसर पर बहुत ही नृत्य गीत होते हैं, खूब अच्छा से दान होता है, कीर्तन होता है, नृत्य होता है, खान पान भी बहुत विविध ढंग के बनाए जाते हैं। बहुत ज्यादा फास्टिंग ये उत्सव नहीं होता है, बहुत अच्छा से खाया जाता है। आज का दिन तो ऐसा है, यह होली का उत्सव, इस दिन तो भारत में प्रायः लोग बहुत पकवान बनाते हैं, खाने पुआ, जलेबी और भी नाना प्रकार के पकवान बनाते हैं, खाते हैं। ये उत्सव का एक अंग है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के उत्सव का यह भी अंग है। तो यहां भी इच्छा है कि कुछ गाना चाहिए, नाचना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के उत्सव में। इसके पहले मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक लीला कहना चाहता हूं। वैसे यह है लीला वास्तव काव्य शास्त्र विनोद न कालो गच्छति धीमता व्यसने नच मूर्खाणा निद्रया कलहे नवा। जो बुद्धिमान होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र के विनोद से बीतता है, और मूर्खों का समय व्यसन दुर्व्यसन में, काम धंधा में, अथवा सोने में चाहे झगड़ा करने में। निद्रया कलहे नवा, कलह कई प्रकार के होते हैं, बैठ करके आपस में विचार करना संसारी के अभी एक कला ही है, किसी एक पॉइंट पर न आना एक कला है, इस तरह से समय बेकार जाता है। भगवान की बातें सुननी चाहिए, तो एक लीला यहां की जाए श्रीमद चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 16वें अध्याय की कथा है। एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा की रात्रि में गंगा के तट पर बैठे थे और अपने छात्रों के साथ विद्या विनोद कर रहे थे। प्रायः अनेक प्रकार के व्याकरण के नियम बच्चे पूछते थे और भी रस अलंकार जो भी है, भगवान उसका उत्तर देते थे। बिल्कुल नवीन किशोर अवस्था थी और कोटि कामदेव से भी अधिक सुंदर, सब वृंदावनदास ठाकुर वर्णन करते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बहुत सुंदर लग रहे थे। ज्योत्नामयी रात्रि थी और अभी अभी थोड़ा थोड़ा अंधकार हुआ था, अंधकार नहीं मतलब रात्रि, रात्रि का प्रवेश हो रहा था, बैठे थे और शीतल सुगंधित हवा चल रही थी, मां गंगा प्रवाहित हो रही थी। श्री निमाई पंडित भगवान श्री कृष्ण बैठे थे चैतन्य महाप्रभु अपने छात्रों के साथ और स्वच्छंद विहार कर रहे थे, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, जैसे वो रास करते हैं वृंदावन में, गोचारण आदि करते हैं, तो पृथ्वी के भार हरण आदि से बिल्कुल भिन्न होता है, स्वच्छंद आनंद की क्रीड़ा होती है। ऐसे ही निमाई पंडित बैठे थे, उसी समय एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान जो कश्मीरी पंडित था, नाम था केशव, उसको केशव कश्मीरी कहते हैं, कश्मीर का होने से प्रसिद्ध नाम हो गया था केशव कश्मीरी। तो केशव कश्मीरी घूमते हुए नदिया आए नवद्वीप, उस समय विद्या के कई केंद्र थे, विद्वानों के स्थान जैसे नवद्वीप, वाराणसी, काशी, अवंतिका,
आदि सब नगरी ऐसे थे जहां विद्वानों का खजाना कहीं गढ़ है कहीं। तो पहले के विद्वानों में प्रायः इस संघर्ष चलता था, एक दूसरे को हराना चाहते थे परास्त करके और नाम कमाना चाहते थे, जस कमाना चाहते थे, दिग्विजय करते थे। इस पंडित का नाम ही है दिग्विजयी, ऊपर लिखा है दिग्विजयी वाक्य, ये वाक्य श्लोक जो है दिग्विजयी का है, केशव काश्मीरी का। तो हम चैतन्य चरितामृत के अनुसार प्रारंभ कर रहे हैं। वृंदावन दास यह करिया छ विस्तार, स्फुट नहीं करे दोष गुणे रविचार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस लीला को, दिग्विजयी को परास्त करने की लीला को श्री वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है, विस्तार से वर्णन किया है। परंतु जिस श्लोक का गुण दोष निकाला चैतन्य महाप्रभु ने, उसकी चर्चा नहीं की है, तो मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, जसुनी दिग्विजयी कैला अपना धिक्कार, से ही अंशे कही तार करी नमस्कार। वृंदावन दास ठाकुर को, जो चैतन्य भागवत के रचयिता है, उनको प्रणाम करके, और मैं उसी अंश को कह रहा हूं जिस अंश को उन्होंने विस्तार नहीं किया। ज्योत्नावती रात्रि प्रभु शिष्य गण संगे, बसी अच्छन गंगा तीरे विद्या र प्रसंगे। ज्योत्नावती प्रकाशवती रात्रि थी, पूर्णिमा की रात्रि, अपने शिष्यों के साथ, छात्रों के साथ चैतन्य महाप्रभु बैठे थे गंगा तीरे विद्या र प्रसंगे, विद्या की ही चर्चा हो रही थी। है न काले दिग्विजयी तहाई आईला, गंगा र वंदना करी प्रभु रे मिलीला। उसी समय दिग्विजयी बहुत बड़ा पाग बांधे हुए, शास्त्री लोग पगड़ी बहुत बांधते थे, और बड़ा ऊंचा शरीर भी था, मोटा शरीर था, और आए उसी समय आकर के गंगा जी को प्रणाम किए पंडित जी, और प्रणाम करके इसके बाद वहां पहुंचे। चैतन्य भागवत में लिखा गया है कि वे पूछते हुए आ रहे थे, निमाई पंडित कहां रहते हैं, बहुत बड़ा नाम सुना हूं, बहुत बड़े पंडित। एक तो नवदीप चंद्र उदित हुए थे वहां, नवदीप वैसे ही विद्वानों की नगरी थी, स्थान था, और उसमें भी अब चैतन्य चंद्र। तो पूछते हुए गए, जब देखे दिग्विजयी तो ऊपर आकाश में चंद्रमा चमक रहा था, और गंगा के तट पर निमाई चंद्र चमक रहे थे, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। तुरंत समझ गए दूर से ही कि यही वो पंडित है। वो आए, लेकिन देखिए इनका अभिमान, इतने तेजस्वी निमाई को देख करके भी ये प्रणाम नहीं किए। पंडित जी गंगा जी को प्रणाम किए और निमाई के पास बैठे, बैठाए चैतन्य महाप्रभु, सब लड़के बैठे थे, देख करके ये लोग भी प्रणाम नहीं किए। उस विद्वान के गर्व को दूर करना था, बैठे। निमाई पंडित आप हैं, वो भी उपेक्षा से पूछा है, निमाई पंडित किसका नाम, आपका नाम है, हाँ हाँ ठीक, आपका जस सुन करके आया। तो भगवान ने कहा ठीक है बैठे, तो उनको बैठाया गया पास में। बसा इला तारे प्रभु आदर करिया, दिग्विजयी कहे मने अवज्ञा करिया। तो निमाई पंडित अभी तो बिल्कुल युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, बैठाए तो दिग्विजयी बोलना प्रारंभ किया, कुछ चैतन्य महाप्रभु की अवज्ञा करते हुए। अवज्ञा का अर्थ मतलब ये व्याकरणिया है, व्याकरण पढ़ाता है, और इसका इतना बड़ा नाम है, इतने लोग मूर्ख हैं इस संसार में, इसको पंडित कह रहे हैं, ये उनके मन में था। तो यही अवज्ञा थी, और एक तो
सहज ही मनुष्य भाव था। भगवान का तेज देख करके भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई लोकोत्तर या मनुष्यतर देवता है या भगवान है, या आना चाहिए तो नहीं आया। तो अवज्ञा हो रहा था मन में, दिग्विजय कहे मने अवज्ञा करिया, व्याकरण पढ़ा है निमाई पंडित तुम्हार नाम, बाल्य शास्त्र लोके तुम्हार बहु गुण ग्राम। निमाई तुम व्याकरण पढ़ाते हो ना? अच्छा, बहुत उपेक्षा से, जैसे व्याकरण पढ़ाना एक बहुत हीन काम है और वास्तव में ये बाल्य शास्त्र है। उसने कहा कि बाल्य शास्त्र में आपका बड़ा गुणगान है, व्याकरण को बाल्य शास्त्र कहते हैं क्योंकि बचपन में लोग पढ़ते हैं, बाद में नहीं पढ़ते हैं। बचपन में भाषा सीखने के लिए व्याकरण पढ़ते हैं तो ये बाल्य शास्त्र है। बाल्य शास्त्र में तुम्हारा गुणगान हो रहा है नवद्वीप में चारों तरफ कि बहुत अच्छा व्याकरण जानता है। बाल्य शास्त्र लोके तुम्हार कहे गुणग्राम, व्याकरण व्याकरण मध्य जानी पढ़ा है कलाप, और उसमें भी व्याकरण में सुना हो तुम कलाप पढ़ाते हो, बहुत उच्च कोटि का व्याकरण नहीं है, कलाप व्याकरण पढ़ाते हो तो सुनील फाकीते तुम्हार शिष्य र संलाप, तुम्हारे शिष्यों का संलाप में दूसरी जगह सुना, यही सूत्र आदि की बात कर रहे थे। फाकी कर सूत्र आदि की बात कर रहे थे तो अच्छा यही पढ़ाते हो। प्रभु कहे व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी, भगवान ने सहज नम्र भाव से कहा मैं व्याकरण पढ़ाता हूं केवल अभिमान करके कि मैं पढ़ाने वाला हूं, शिक्षक हूं, वास्तव में मुझे कुछ आता नहीं। व्याकरण पढ़ाई, प्रभु कहे व्याकरण पढ़ाई अभिमान करी, शिष्य है ना बुझे या मैं बुझीते है नारी। मैं पढ़ाता हूं केवल अभिमान है मन में, लेकिन शिष्य लोग भी कुछ नहीं समझते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं और मैं भी नहीं जानता हूं क्या पढ़ाता हूं। बहुत नम्र भाव से बोले के वे पढ़ते हैं क्यों पढ़ाता हूं मुझे स्वयं समझ में नहीं आता है, कुछ जानता नहीं हूं पर पढ़ाता हूं। भगवान चैतन्य महापुरुष इसके द्वारा कुछ और ध्वनित कर रहे हैं। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो कथा कहते हैं पढ़ाते हैं किंतु जानते नहीं है, और जिससे कथा कहते वो भी नहीं जानते फिर भी कथा कहते ही रहते हैं। पढ़ाते ही रहते हैं, कुछ ध्वनित है। मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, शिष्य भी कुछ नहीं समझते हैं, मैं भी नहीं जानता हूं। अच्छा, तो अपनी दीनता स्वीकार किए चैतन्य महाप्रभु। तो कहां तुम्हें सर्वशास्त्र कवित्व प्रवीण, कहां यामी सब शिशु पढ़ुआ नवीन, कहां आप सभी शास्त्रों में परम प्रवीण हैं और महान कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, और हम सब तो बच्चे हैं, छात्र हैं, पढ़ते हैं, हम लोग तो कोई पंडित नहीं है। तुम्हारा कवित्व किसी सुनते है मन, आपके बारे में हमने सुना है और आपकी कविता सुनने की इच्छा हो रही है। ये हम लोगों की पढ़ाई का बकवास थे, इसे बंद कीजिए अभी, कोई और आपकी कविता सुनना चाहते हैं। बहुत सुंदर कविता करते हैं। तुम्हारा कवित्व किछु सुनते है मन, कृपा करी कर यदि गंगा र वर्णन। तो चैतन्य भागवत में वर्णन है कि वो पूछता है किस विषय पर सुनोगे तुम लोग, उसका अभिमान ये था कि ये लोग हम कविता रचेंगे तो समझेंगे क्या, कुछ समझेंगे तो नहीं, तो क्या बोले, क्या विषय होना चाहिए।
तो भगवान ने संकेत किया, मां गंगा प्रवाहित हो रही निर्मल धारा है, गंगा जी के बारे में ही कुछ कविता कीजिए। तो वो तो प्रसन्न होकर के, और वास्तव में कवि था, परम श्रेष्ठ कवि। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो यहां तक कहते हैं कि कविता के बल से वो गौरांग का चरण कमल पा गए, किसी कविता ने उसको चैतन्य महाप्रभु के पास ला दिया। अगर उसमें अभिमान नहीं हुआ होता, बहस करने नहीं आता, तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं मिलता। तो सुनते ही वो कवि तूफान की तरह कविता बनाना चालू किया गंगा जी के बारे में, धारावाहिक रूप से। संस्कृत में सब कविता थी, श्लोक थे, और एक घंटे में 100 श्लोक बोला, मतलब आधा मिनट, लगभग आधा मिनट में एक श्लोक, बहुत गाते हुए बोल रहा था। ये नहीं कि लिख लिख करके, सीधा बोलना चालू किया। सुनिया ब्राह्मण गर्वे वर्णिते लागिला, घटी एक सत श्लोक गंगा र वर्णिला। घटी 45 मिनट एक 100 श्लोक रच दिया। ये धारावाहिक रूप से बोलना कोई साधारण बात नहीं थी। एक 100 श्लोक बोला, घटी एक सत श्लोक गंगा रमण। घटी का अर्थ 45 मिनट, आधा घंटा, जो भी हो, बहुत कम ही समय हुआ। सुनिया कबीर प्रभु, सुनिया करील प्रभु, बहुत सत्कार तुमा सम पृथ्वी से कवि नहीं यार। ये सुन करके चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपके समान इस भूतल पर कोई कवि नहीं है, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, आपकी कविता बहुत अच्छी। तुम्हारा कविता श्लोक अर्थ बुझते कर सकती, तुम्हार कविता श्लोक अर्थ बुझते कर सकती, तुम्ही भाल जाना अर्थ कीवा सरस्वती। आपकी कविता के अर्थ को समझने की किसमें शक्ति है? या तो आप जानते होंगे उसका अर्थ, आप जानते हैं, अथवा मां सरस्वती जानती। तो और फूल गया कवि। एक श्लोकेर अर्थ यदि कर निज मुखे, सुनी सब लोक तबे पाइब बड़ सुख। अगर हम कुछ समझे नहीं, मतलब ऐसे भगवान नहीं बोले कि नहीं, इसकी दो ही व्यक्ति और समझते हैं, या तो सरस्वती जी या आप, तो हम एक श्लोक का अर्थ सुनना चाहते हैं, जिससे हमको सुख हो, सब लोगों को सुख हो। एक श्लोक का अर्थ कीजिए। तबे दिग्विजयी व्याख्या श्लोक पूछिला, किस श्लोक की व्याख्या करें? वो तो सोचता था कि इसमें से इन लोगों को तो एक लाइन भी कोई याद नहीं हुआ होगा, 100 श्लोक में से कुछ भी, और बहुत तेज गति से बोल रहा था। तो बयान से पूछते कौन श्लोक का अर्थ करें, सत श्लोक एक सत श्लोकेर एक श्लोक प्रभु तब पढ़ीला। तो उन 100 श्लोकों में से जो धारावाहिक बोल चुका था, उसमें से एक श्लोक भगवान चैतन्य महाप्रभु लगे बोलने, जो बोला था, महत्वम गंगा यह सततमिदमा भाति नितराम जदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मीरिव सुर नरय राज्यमाना भवानी भर्तुरिया शिरस विभवात्यद्भुत गुणा। ये चैतन्य महाप्रभु बोल दिए। बोलने पर तू हक्का बक्का हो गया, करी बाप रे बाप, ये कैसे ग्रहण कर लिया। ये श्लोक भगवान बोले, इस श्लोक अर्थ कर प्रभु जदि बैला, विस्मित है या दिग्विजयी प्रभु रे पूछिला। और इस श्लोक को बोल करके चैतन्य महाप्रभु कहे, कृपया इसका अर्थ कर दीजिए, जिससे हम लोग सुखी हों।
अर्थ सुन करके, अर्थ का आस्वादन कर, इतना सुन करके वो दिग्विजय विस्मित हो गया, बहुत आश्चर्यचकित हुआ। झंझावात झंझावात प्राय आमी श्लोक पढ़ीला, तार मध्य एक श्लोक तुम कैसे कंठ कैल। अरे मैं झंझावात की तरह, तूफान की तरह श्लोक पढ़ रहा था, उसमें से एक श्लोक तुम कैसे कंठ कर लिए, आश्चर्यचकित हो गया। किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति नहीं थी, तो फिर भी पूछ रहे कैसे तुमको ये कंठस्थ हो गया, एक बार बोलने से और भी सैकड़ों श्लोक बोला जा रहा है। हम लोग तो देखते हैं यहां पर एक श्लोक की आवृत्ति 10 बार 5 बार होती है, फिर भी बाद में देह करके भी पढ़ने में लोग भ्रम कर जाते हैं। कंठ से कंठाग्र कर लेना तो और कठिन होता है। तो वो कभी विद्वान चकित हो गया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे देव वरे तुमी कवि वर, ऐसे देवर वरे के हो है श्रुति धर। जैसे आप देवता के या भगवान के प्रसाद से बहुत श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, तो इसी तरह से कोई कोई व्यक्ति देव के वर से श्रुतिधर हो जाता है, जो सुने वो ग्रहण कर लेता है, कोई कोई ऐसा होता है। तो अपने को फिर भी बहुत समान रूप से कह रहे हैं, हाँ ऐसी ये देवता के वरदान से ऐसी शक्ति हमको भी मिली है कि सुन करके धारण कर लेते हैं। देवता के प्रसाद से आप कवि श्रेष्ठ हैं, तो देवता के प्रसाद से कोई कोई श्रुतिधर होता है। श्लोक व्याख्या, अच्छा प्रभु कहे देव वरे तुम्हें कविवर, ऐसे देवर वरे के हो है श्रुतिधर। श्लोक व्याख्या, तो फिर पूछे कि अब व्याख्या कीजिए, जरा अर्थ समझाइए। तो श्लोक व्याख्या कैलो विप्र पाइया संतोष, प्रभु कहे कह श्लोकेर कीवा गुण दोष। अब जो श्रुतिधर देख लिया तो सोचे कि अर्थ तो समझेगा जरूर। पहले सोच रहा था कुछ समझेगा नहीं, लो समझेगा, तो इसलिए व्याख्या किया, श्लोक की व्याख्या किया। अर्थ इसका सीधा साधा ये है, गंगा के इस महत्व ये का यह महत्व चारों तरफ फैला हुआ है, सततम इदमा भाति चमक रहा है गंगा की महिमा त्रिभुवन में चारों तरफ नितराम, क्योंकि जत का अर्थ, क्योंकि ऐसा ये गंगा जी श्री विष्णु चरण चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, इनका महत्व इसलिए है कि ये श्री विष्णु भगवान के चरण कमल से निकली हैं और इस कारण से सुभगा अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। गंगा जी का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो भगवान के चरण कमल से निकली, और ये द्वितीय श्री लक्ष्मी जी के समान है। एक लक्ष्मी जो भगवान के वक्षस्थल पर रहती हैं, और दूसरे ये द्वितीय लक्ष्मी चरण कमल से निकली। सुर नरई अर्चमाना देवता ब्रह्मा जी भगवान शिव आदि अर्चना करते हैं, और मनुष्य देवताओं और मनुष्यों के द्वारा गंगा जी सेवित हैं, अर्चित हैं, और भगवान शिव के भवानी भर्तार के शिरसी मस्तक पर ये रहती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। विभवती, विभवती का अर्थ सारे संसार में विशेष रूप से हो रही है, इनकी कीर्ति गाई जा रही है। अद्भुत गुणा, इनमें अद्भुत गुण है, ये सामान्य अर्थ हुआ, और कभी तो व्याख्या भी किए होंगे। जब ब्राह्मण व्याख्या किए कभी, तो प्रभु कहे कह श्लोकेर कीवा गुण दोष, कृपा करके ये बताइए कि आपके इस श्लोक में क्या क्या दोष है और क्या क्या गुण है। तो इतना सुनते ही वो तो बोला आश्चर्यचकित हो गया, क्या दोष है। दोष मतलब कविता का दोष, काव्य दोष उसको कहते हैं, काव्य दोष, और कोई दोष नहीं। तो सीधा भगवान का कीर्तन है, गंगा जी की महिमा है,
भगवान के चरण कमल का स्मरण है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन काव्यगत दोष कुछ होता है। तो क्या इसमें गुण है और क्या दोष है, कृपया इसको बताइए। हम तो ये लड़का पीछे पड़ गया बंदी थे विप्र कहे श्लोके नहीं दोषे रया भास। उसने थोड़ा गर्व से कहा इस श्लोक में कोई दोष नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि गुण दोष कहिए, वो कहता है इसमें कोई दोष नहीं है, गुण है सुनो, सुना रहा हूं क्या गुण है। विप्र कहे श्लोके नहीं दोषे रया भास उपमा लंकार गुण किचु किचु अनुप्रास। कुछ सुनो अनुप्रास, इसमें गुण है, उपमा लंकार है और अनेक अनुप्रास हैं। उन्होंने कहा संक्षेप में इसमें अलंकार है, क्या गुण है बताता हूं। बताने के पहले चैतन्य महाप्रभु रोकने लगे, वे कहते हैं प्रभु कहें कही यदि न करह रोष, यदि आप क्रोध नहीं करेंगे तो मैं कुछ कहना चाहता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यदि आप रोष न करें, क्रोध न करें तो हम कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु कहें कह यदि कही यदि, यदि मैं कहूं ना करह रोष, कह तुम्हारे ए श्लोके किवा अच्छे दोष। जो गुण कह दिए तो कहे अच्छा दोष बताइए, क्या दोष है। तो पहले तो कहा था कि दोष है ही नहीं इसमें, लेकिन किसी भी कविता में कुछ दोष होता है तो दोष भी एक गुण ही माना गया है। उस शब्द की दृष्टि से वो दोष कहा जाता है, रचना की दृष्टि से या भाव आदि की दृष्टि से, लेकिन वास्तव में दोष को भी गुण माना गया है। जयदेव जी की कविता में, भवभूति की कविता में, कालिदास की कविता में, भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं उसमें भी दोष है, गुण है। तो जो उन्होंने कहा इसमें दोष है ही नहीं, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तो वो जब गुण वर्णन किए तो ये कहते हैं कि नहीं, आप विचार करके, आप क्रोध मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए और कृपया बताइए इसमें क्या दोष है। कह तुम्हारे इस श्लोके किवा अच्छे दोष, प्रतिभारक काव्य तुम्हार देवतार संतोष से भाल मते विचार ले जानी गुण दोष। देवता के प्रसाद से आपकी कविता अद्भुत है, लेकिन विचार करके देखने पर तब गुण दोष का पता चलता है। आप विचार कर लीजिए, हम लोग आस्वादन करना चाहते हैं, विचार कर लीजिए। ताते भाल करी श्लोक करह विचार, कवि कहे जे कहिल सही वेद सार। जे कहिल, जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं विचार कर लीजिए आप, बढ़िया से फिर विचार कर लीजिए, तो वो कहता है जो मैं कहा ना वो वेद का सार है। री बाप री बाप, इतना भगवान के सामने बोल रहे हैं, जो मैं कहा वो वेद का सार है। ये नहीं समझो कि उसमें कोई दोष है, ये है वो है, जो कहा वो ठीक है कंप्लीट, इसमें कोई दोष नहीं। चैतन्य महाप्रभु ठीक है कि इसमें दोष कुछ है, विचार करके कहे तो कहा जो मैं बोला वो वेद का सार है। वेद ही नहीं है, वेद का बिल्कुल सार है, मतलब टस से मस होने वाला नहीं है, बिल्कुल सत्य है। उसमें लिखा गया है चैतन्य भागवत में कि बच्चे सब बड़ा हंस रहे थे, उन्हों को तो बड़ा कौतूहल हो रहा था। वो सब जो छात्र थे चैतन्य महाप्रभु के, लगभग 19 की उम्र के, थोड़ा थोड़ा छोटे, तो सब हंस रहे थे। चैतन्य महाप्रभु रोक रहे थे, चुप रहे थे, हंसो मत। बड़े बड़े वो लोग उत्सुक थे कि कब ये हारेगा। तते भाल करी श्लोक करह विचार, तो कवि कहे जे कहिला सही वेद सार।
व्याकरणीय तुम्ही नहीं पढ़ा अलंकार तुम्ही के जानिबे ये भी कवित्व सार। तुम व्याकरणीय हो, व्याकरण पढ़ाते हो और बार बार कह रहे हो कि इसमें कोई दोष है। दोष तुम व्याकरण पढ़ाते हो, व्याकरण जानते हो, ये अलंकार शास्त्र है, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। भगवान फिर भी कृपा करने वाले थे इन पर, कवि पर। वे भीतर से उद्विग्न नहीं हो रहे थे क्योंकि व्याकरणीय हो तुम, नहीं पढ़ा अलंकार तुम्ही की जानिबे यही कवित्वेर सार, कविता के मर्म को तुम क्या जानोगे। व्याकरण पढ़ाते हो, प्रभु कहन अतएव बुझिए तुम्हारे, इसीलिए न मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो कहा तुमको मालूम नहीं है कुछ भी, तो इसी कारण से मैं आपसे जानना चाहता हूं। प्रभु कहन अतएव पूछिए तुम्हारे, विचार या गुण दोष बुझा है हमारे, नहीं पढ़ी अलंकार करिया श्रवण। मैं अलंकार शास्त्र पढ़ा नहीं हूं पर सुना हूं। मैं पढ़ा नहीं हूं पर सुना हूं, ताते ये श्लोके देखी बहुत दोष गुण, इसीलिए मैं इस श्लोक में बहुत दोष गुण देख रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु भी अजीब बोल रहा है, मैं पढ़ा नहीं हूं सुना हूं, लेकिन सुनने से ही मैं बहुत दोष गुण देख रहा हूं इस श्लोक में। कभी कहे कह देखी कौन गुण दोष, ठीक है बोलो क्या इसमें गुण है क्या दोष है। वो कड़क करके बोला, कभी कहे कह देखी कौन गुण दोष, प्रभु कहें कहीं सुन ना करिए दोष। लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप क्रोध मत कीजिएगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। पंच दोष ऐ श्लोके पंच अलंकार, क्रमे आमी कही सुन कर विचार। आप विचार करते जाइए, आपके इस कविता में इस श्लोक में पांच दोष हैं, भले दोष ही कहे, और पांच गुण हैं। गुण वाला अलंकार, पांच अलंकार है, पांच दोष है। अलंकार से अतिशय, अलंकार उसको कहते हैं जो अतिशय सुशोभित करे, शोभा बढ़ा दे। तो इसमें पांच अलंकार है जो कि आपकी कविता को अलंकृत कर रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन पांच दोष है, बड़ा भयानक दोष। प्रभु कहें कही सुन ना करिय रोष, पंच दोष यही श्लोके पंच अलंकार, क्रमे आमी कही सुन कर विचार। आप विचार करते जाइएगा, क्रोध मत कीजिएगा। इसलिए क्रोध मत कीजिएगा कि ये लड़का इस तरह से ढीठ है बोल रहा है, आप विचार कीजिएगा। तो वो बेचारा सुनने लगा। अविमृष्ट विधेयांश दुई ठय चिन्ह, दोष बता रहे हैं इस श्लोक में। अविमृष्ट विधेयांश है दो जगह पर, दो जगह तो ये दोष है। अविमृष्ट विधेयांश मैं उसका अर्थ बताऊंगा, और विरुद्धमति भग्न क्रम पुनरात दोष तीन, और तीन दोष है, एक है विरुद्धमति, विरुद्धमति जिसको सुनने पर भिन्न मति उत्पन्न होगी, जिसको विरुद्धमति कहते हैं। वो रियल अर्थ तो होगा कुछ और, लेकिन उससे कुछ संदेह भी होने लगेगा, उसको विरुद्धमति कहते हैं। और भग्न क्रम, और क्रम भग्न हो जाना, ये भी भंग हुआ है, क्रम भंग आपने, और पुनरुक्ति दोष है आपने इस कविता में। तो ये तीन हुए, और अविमृष्ट विधेयांश है, तो ये दो पांच, पांच दोष हैं आपकी कविता में। तो किसी वाक्य के दो अंश होते हैं, किसी कविता के या वाक्य के, एक होता है अनुवाद और एक होता है विधेय। विधेय का अर्थ है जो बात आदमी कहना चाहता है, जो अज्ञात है, अज्ञात है उसका ज्ञान देना चाहता है तो उसको विधेय कहते हैं, और जो वस्तु ज्ञात है उसके बारे में कुछ कहता है उसको अनुवाद कहते हैं। जैसे हम लोग अनुवाद का अर्थ जानते हैं,
कोई चीज है उसको बाद में बोलते हैं, तो अनुवाद उसी को कहते हैं ना। पहले उसके बारे में कुछ बोला गया है, इसके बाद कुछ बोला जाता है तो उसको अनुवाद कहते हैं। जैसे हम ये कहें कि इस पुस्तक का प्रकाशन यहां हुआ है, तो इस जब कहेंगे तो इसका अर्थ है कि इसका पहले से या तो सामने है या इसका वर्णन पहले हुआ है, तब इस किताब का, इस पुस्तक का कहेंगे। लेकिन पुस्तक ज्ञात है, प्रकाशन अज्ञात वस्तु है। प्रकाश जहां से हुआ है वो वस्तु अज्ञात है, प्रेस, तो उसको हम बताने जा रहे हैं तो उसको विधेय कहते हैं। तो इसमें आपके कविता में दो अबमृष्ट विधेयांश, अब विमृष्ट का मृष्ट का अर्थ है मांजा हुआ साफ साफ, और वी का अर्थ है विशेष और अ का अर्थ है नहीं, ऐसा विधेय आपने दो जगह बताया, पूरा साफ नहीं है। साफ नहीं क्यों साफ नहीं है कि अनुवाद नहीं है, उस वस्तु का पहले से कोई पता नहीं है और आप विधेय बता रहे हैं। तो जैसे इदम इस श्लोक में है, गंगा के इस गंगा का यह महत्व सब जगह प्रकाशित हो रहा है। यह तो आप बोल रहे हैं, लेकिन महत्व जो है वो विधेय है, महत्व विधेय है आपका, लेकिन अनुवाद इसमें इदम जो आपने रखा है तो सुनने वाले को पता नहीं लगे कौन महत्व है, कैसा महत्व। तो आपने अनुवाद को कहे बिना विधेय को रख दिया, इसलिए विधेय साफ नहीं है। अबमृष्ट अबिमृष्ट इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु श्लोकों में बता रहे हैं। इदम शब्द अनुवाद पाछे विधेय, विधेय आगे कही पाछे कहिले अनुवाद, अनुवादम अनुक्ता तु न विधेय निदीर्यते। एक नियम है कि अनुवाद को कहे बिना, ज्ञात वस्तु को कहे बिना उसके विषय में विधेय नहीं कहना चाहिए, पहले बताना चाहिए तब विधेय जो जानने अज्ञात वस्तु है उसके बारे में बताएंगे, उसका जो अज्ञात गुण है। जैसे कई ऐसे वाक्य हैं जिनको शास्त्रीय विधि से समझा जाता है, जैसे एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते च ए और जो मैं कहा हूं और जो नहीं भी कहा हूं। शुलर शुद्ध गोस्वामी पाद कहते हैं कि एते च तीसरे अध्याय में प्रथम स्कंध के जो मैं अवतार गिनाया हूं, एते ये सब और च अनुक्त समुच्चय जिनके बारे में बोला नहीं हूं, ये सब एते च कला पुंस, पुरुष की कला है, ये गर्भोदक साई पुरुष की कला है, कोई कोई कला है कोई कोई अंश है, लेकिन कृष्णस्तु इसमें जो मैं कृष्ण गिनाया, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण स्वयं भगवान है। तो कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं, खास करके श्री संप्रदाय वाले, कि जो भगवान है वही कृष्ण है, उल्टा अर्थ करते हैं, भगवान ही कृष्ण के रूप में अवतार लिए। नहीं, ये अर्थ नहीं है। क्या कहा जा रहा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो इसमें दो चीज है, कृष्ण का कृष्णत्व तो ज्ञात है कि शुद्ध गोस्वामी एको नवीन से विंशत में भृष्मिषु प्राप्त जन्मनि राम कृष्णा विति भूव भगवान हरद भरम, भगवान ने ये राम कृष्ण के रूप में अवतार लिए 19वें और 20वें अवतार में, कृष्ण बलराम के रूप में।
तो कृष्ण का तो ज्ञान है, ज्ञात वस्तु है कृष्ण, लेकिन विधेय क्या है? कृष्ण की भगवत्ता विधेय है। इस बात को पहले नहीं कहा गया था। तो जो विधेय कृष्ण का, कृष्ण तो ज्ञात है, कृष्ण एक अवतार है, जदुवंश में अवतार लिए, लेकिन कृष्ण की भगवत्ता अज्ञात वस्तु है। इसी को शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण स्वयं भगवान है, भगवत्ता है। वहां से ये बात बहुत स्पष्ट प्रकट होती है चैतन्य चरितामृत में। कृष्ण ज्ञात वस्तु है, कृष्ण की स्वयं भगवत्ता अज्ञात वस्तु है। अतः कोई ये अर्थ करे कि भगवान कृष्ण के रूप में अवतार ली, ये गलत बात है। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ये उचित। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, विधेय आगे कही पक्ष कही अनुवाद कहिले अनुवाद, आप तो पहले विधेय कह दिए और अनुवाद बाद में कर रहे हैं, और इसीलिए आपका विधेय साफ नहीं हुआ। यही लागी श्लोके अर्थ करी अच्छे बाद, इसलिए श्लोक का अर्थ बाधित हो रहा है। ये आपका एक विधेय स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसको अविमृष्ट विधेय आविष्कार। और द्वितीय श्री लक्ष्मी यहां द्वितीयत्व विधेय, और दूसरा आपने श्लोक कहा कि द्वितीय श्री लक्ष्मी रे, श्री गंगा जी द्वितीय श्री लक्ष्मी के समान है। तो द्वितीय श्री लक्ष्मी, यहां श्री जी लक्ष्मी जी विधेय नहीं है आपका, विधेय है गंगा जी, लेकिन गंगा जी की आप उपमा दे रहे हैं कि द्वितीय लक्ष्मी के समान, लेकिन द्वितीय को आपने श्री के साथ रख दिया है, तो दोनों में समास हो गया है। तो इसको आप ऐसे सुने कि द्वितीय लक्ष्मी के समान द्वितीय कौन है, द्वितीय लक्ष्मी के समान समास करने से मूल लक्ष्मी का अर्थ बोध नहीं होगा। द्वितीय लक्ष्मी कोई दूसरी लक्ष्मी है, उसके समान गंगा जी हैं। नहीं तो लक्ष्मी के समान गंगा जी है, श्री के समान है, ये तो कोई दोष नहीं है कहना, लेकिन द्वितीय लक्ष्मी रह करके आपने इस श्लोक को छार खास कर दिया। मुझे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इसका अर्थ नष्ट कर दिया आपने। द्वितीय लक्ष्मी तो इस पर संदेह होता है, विधेय लक्ष्मी का द्वितीयत्व विधेय है। लक्ष्मी तो सब जगह लोग जानते हैं, श्री जी को जानते हैं, लेकिन द्वितीयत्व है ये विधेय आपने रखा तो ये साफ नहीं हो रहा है। इसलिए दो दोष ये हुआ, अविमृष्ट विधेयांश हुआ। अब सुनिए, द्वितीय श्री लक्ष्मी यह द्वितीय विधेय समा से गौड़ हैल शब्दार्थ गेलक्षय, शब्दार्थ गेलक्षय शब्द का अर्थ चला गया, गायब हो गया। लक्ष्मी रा समता अर्थ करीले, अच्छा एक है आपका अब विरुद्ध मति दोष। विरुद्ध मति दोष क्या है कि आपने जो ये कहा कि भवानी भर्तुः, भवानी के पति के सिर पर गंगा जी रहती हैं, मतलब शिव जी के सिर पर, ये बिल्कुल विरुद्ध मति। भवानी का अर्थ ही होता है भाव की पत्नी, भाव की पत्नी के पति के सिर पर गंगा जी रहती हैं, इसका मतलब कोई भवानी का कोई दूसरा पति भी है क्या? ये विरुद्ध मति उत्पन्न हो रही है। इस तरह का दोष आपकी कविता में, वास्तव में ये तो प्रकट दोष दिखाई दे रहा है। ये कहा जाए कि इस विप्र पत्नी के पति ने ये दिया है, इसका अर्थ विप्र पत्नी तो ब्राह्मण तो उसका पति है ही, कोई और भी पति है लग रहा है।
भवानी के पति के सिर पर गंगा जी रहती हैं। बेचारा किया है तो अपने समाज से बहुत अच्छा है गंगा जी का महत्व, लेकिन बुद्धिमान लोग समझे। भवानी का अर्थ होता है भव की पत्नी, भव माने शिव, शिव पत्नी के पति, शिव पत्नी के पति के सिर पर गंगा जी खेलती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। तो ये सुनने में विरुद्ध मति उत्पन्न हो रही है, ऐसे इस पर शंका होती है कि भवानी का कोई दूसरा पति है क्या है? तो आपके कविता में ये एक दोष है, इसको विरुद्ध मति दोष कहते हैं। मति उत्पन्न हो रही है ना कि ऐसा कह सकते हैं, भवानी भर्त एक विरुद्ध मति उत्पन्न होती है। शिव पत्नी के पति के मस्तक पर गंगा जी खेलती हैं, तो इस पर शंका होती है कि शिव पत्नी के कोई और भी पति है, भवानी के कोई और पति है। भवानी का अर्थ ही है भव की पत्नी, तो ये विरुद्ध मति दोष आपकी कविता में है। विरुद्ध मति कृत नामे यही महादोष, भवानी भर्तु शब्द दिले पाई असंतोष, तो संतोष करके शब्द दिए हैं, लेकिन विरुद्ध मति कृत यही महादोष। भवानी शब्देर अर्थ कहे महादेवे र गृहिणी, तार भर्ता कहले द्वितीय भर्ता जानी, शिव पत्नी भर्ता यह सुनिते विरुद्ध, विरुद्ध मति कृत शब्द शास्त्र कहे। जैसे उदाहरण देते हैं, ब्राह्मण पत्नी रे भर्तार हस्ते देहदान, इस ब्राह्मणी पति के हाथ में दान दो, विप्र पत्नी के पति के हाथ में दान दो। तो उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो उसका जो पति ब्राह्मण है वो कहां जा रहा है, लगता है कि एक उपपति रखी है, ये विरुद्ध मति दोष है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये महादोष। अच्छा, चौथा क्या दोष है? भग्न क्रम। अब देखिए इस कविता में अनुप्रास है, अनुप्रास का अर्थ होता है एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, शुरू में शब्द के शुरू में कोई अक्षर हो तो बार बार आवे उसको अनुप्रास कहते हैं। तो ऊपर वाले में नहीं, ऊपर, हाँ ऊपर वाले में त की आवृत्ति है प्राय, बार बार आया है त शब्द, महत्वम त्व आया, गंगाया सततम आभाती नितराम, ये त की बहुत आवृत्ति है, तो ये अनुप्रास है। और दूसरे में किसके इसमें सब गिनाया जा रहा है, तीन पादे अनुप्रास, देखी अनुपम, एक पादे नहीं यही दोष भग्न क्रम। यद्यपि यही श्लोक के आक्षेप पंचालंकार, एक में त की आवृत्ति है और एक में भ शब्द बहुत आया है, लेकिन एक में ऐसा कोई नहीं है अनुप्रास, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये भग्न क्रम है। प्रथम में तक अनुप्रास है, जदेशा श्री विष्णु चरण कमल पत्ति सुभगा, एक में भ है और एक में र है और एक में बहुत आवृत्ति नहीं है, एक में अनुप्रास नहीं है। तो कहीं किसी को सजा रहे हैं, किसी एक हाथ में गहना पहनाए, किसी एक आंख में अंजन दिए, दूसरे को छोड़ दिए, तो ये दोष है ना। तो उसमें हमको यहां मिल नहीं रहा है कहां कहां कौन आवृत्ति है। हाँ,
यहां से पढ़ते हैं। प्रथम चरणे पंच तकारे रीपाती, पंच तकार है, पांच बार त का प्रयोग हुआ है, और द्वितीय चरण है पंच रेफ स्थिति र है, और चतुर्थ चरण चारि भकार प्रकाश। एक बाकी रह गया, उसमें कोई अलंकार नहीं है। आप किसी को पैजामा सिलाइए और एक पैर में पैजामा न हो, एक में केवल हो, तो कैसा लगेगा? जो कर रहे हैं अलंकार तो सब में कीजिए। तो एक दोष है, ये चौथा दोष हुआ। और दूसरा दोष है, पांचवा दोष है, वो है पुनरात अथवा पुनरुक्ति दोष। तो पुनरुक्ति दोष इसमें कई भी है। एक तो श्री लक्ष्मी कहना, श्री लक्ष्मी कहिए चाहे श्री कहिए, दोनों एक ही है कि नहीं? लक्ष्मी का अर्थ भी वही होता है, लक्ष्म का अर्थ प्रकाश तेज, उसे जो युक्त है वो लक्ष्मी, और श्री जिसमें है वो है श्री, मतलब। तो श्री लक्ष्मी लिखना ये पुनरुक्ति दोष है। और एक और आपने पुनरुक्ति किया है, विभवती अद्भुत गुणा। जब आपने लिखा कि गंगा जी विभवती, विशेषण भवती, बहुत फब रही है, ये हो रही है, बहुत चमक रही, अद्भुत है, तो अद्भुत गुणा लिखना है पुनरुक्ति है। अद्भुत गुण है तभी तो विशेष रूप से चमक रही है, लेकिन विभवती और अद्भुत गुण दोनों ये पुनरुक्ति दोष है। तो चैतन्य महाप्रभु अंत में कहते हैं कि यद्यपि ये श्लोक के आछे पंच अलंकार, यही पंच दोषे श्लोक हैला छार खार। यद्यपि आपके श्लोक में पांच अलंकार हैं, लेकिन इन पांच दोषों के कारण श्लोक बिल्कुल मिट्टी पली मिल गया, मिट्टी धूल में मिल चुका है, हैला छार खार, एकदम मिट्टी पली धूल में मिल गया, किसी काम का नहीं रहा। क्योंकि वास्तव में गंगा जी की महिमा का वर्णन है, भगवान का स्मरण हो रहा है, कविता बहुत महान है। चैतन्य महापुरुष इस तरह से उस कवि पर कृपा कर रहे हैं, पांच दोष के कारण बहुत कविता नष्ट हो गई। पांच दोष तो बहुत है, अगर एक दोष भी रहे तो दस अलंकारों के होते हुए भी वो कविता बिल्कुल नष्ट मानी जाती है। लेकिन अब जब कवि बहुत निराश हुआ, बहुत शोक में डूब गया, तब चैतन्य महाप्रभु उसको आश्वासन देते हैं, नहीं, आपके कविता में विचार किया जाए तो पांच अलंकार हैं। तो संत अब संतोना दे रहे हैं, पांच अलंकार हैं। सबसे बड़ी, अच्छा, श्री लक्ष्मी जो प्रयोग किया, वास्तव में पुनरुक्ति का भास केवल है, पुनरुक्ति नहीं है, उसका अर्थ किया जाएगा श्री जूता लक्ष्मी, यह अर्थ किया जाएगा। तो उसमें केवल आभास है पुनरुक्ति का, पुनरुक्ति आभास नहीं बल्कि एक शब्द अलंकार ही है। और एक आपके कविता में जो गुण है वो अद्भुत है, सर्वलोक चमत्कार पैदा करने वाला गुण है, जो आपने यह लिखा है कि श्री विष्णु के चरण कमल से गंगा जी निकली हैं, यह अद्भुत गुण है। क्योंकि आज तक सब जगह यही जानते हैं कि जल से कमल उत्पन्न होता है, लेकिन कमल से जल उत्पन्न हुआ, इतना जल कि नदी ही निकल गई हो, अद्भुत गुण है आपकी इस कविता में। है ना, सब लोग जानते हैं जल में कमल उत्पन्न होता है, लेकिन यह प्रसिद्ध बात है कि भगवान विष्णु के लिए बिल्कुल विपरीत बात है, भगवान के लिए
उनके चरण कमल से ही नदी निकली है, नदी से कमल नहीं निकला है, कमल से नदी निकली है। और भी महानदी जाता है, एक श्लोक है इसमें, अंबुजम अंबुनी जातम, अंबुजम अंबुनी जातम, अंबुज अंबु से उत्पन्न होता है, क्वचिदपि न जातम अंबुजाद अंबु, कभी कमल से पानी उत्पन्न नहीं होता है, जल उत्पन्न नहीं होता है, जल से कमल उत्पन्न होता है, लेकिन मुरभिधि तद विपरीतम, भगवान मुरारी के मधुसूदन के विषय में विपरीत बात है कि पादम भोजाद महानदी जाता है, उनके चरण कमल से महानदी उत्पन्न हुई, श्री गंगा जी उत्पन्न हुई। तो ये गुण है आपकी कविता में, इस प्रकार से और भी गुण बताए, ये सबसे बड़ा गुण ये है। गंगा र महत्व साध्य साधन तहार विष्णु पादोत्पत्ति अनुमान अलंकार, ये अलंकार अरे गुणगान भी है, भक्ति है, भगवान के चरण कमल से गंगा जी उत्पन्न हुई है। स्थूल यही पंच दोष पंच अलंकार सूक्ष्म विचारी यदि अक्षय अपार, ऐसे ये पांच दोष और पांच गुण आपके कविता में ये तो मोटा मोटी है स्थूल, यदि छोटा विचार किया जाए तो अपार दोष अपार गुण है, अपार दोष और अपार गुण कोई संख्या नहीं की जा सकती। प्रतिभा कवित्व तुम्हार देवता प्रसादे, अविचार कवित्व अवश्य पड़े दोष बादे, विचारे विचारी कवित्व कैले हय सुनिर्मल, सालंकार फैले अर्थ करे झलमल, सुनिया प्रभुर वाक्य दिग्विजयी विस्मित, मुखे न निसरे वाक प्रतिभा स्तंभी। चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर के कवि तो ऐसा हो गया कि लगता था कि यही धरती फटे और मैं समा जाता हूं, दम विस्मित हो गया, अब मुख से कोई भी शब्द नहीं निकाल रहा था। इस तरह से वह उधर बच्चों की दृष्टि, बच्चों का मुख देख रहा था, छात्रों का, वो तो इतना अब हंस रहे थे, केवल चैतन्य महाप्रभु के रोकने से ही खी खी आवाज नहीं निकल पाती थी, नहीं तो थोड़ा थोड़ा हंसते, जितना बहस बांधा था दिग्विजयी, जिस तरह से आया था एकाएक निस्तब्ध, प्रतिभा स्तंभित हो गई। कही ते चाहे किछु ना आई से उत्तर, कुछ कहना चाहता था लेकिन उत्तर नहीं आता था, तबे मने किछु विचारे है या फाफर, बिल्कुल सूखा सूखा हो करके और बोला, सोच रहा है पढ़ुआ बालक कैला मोर बुद्धि लोप, जानी सरस्वती मरे करिया छन को। व्याकरण पढ़ने वाला एक विद्यार्थी छात्र मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया, मैं समझता हूं कि माता सरस्वती मुझ पर कुपित हो गई है, तब वो किसी लड़के द्वारा कराई, अभी वो नहीं समझ रहा है कि ये भगवान है, एक बालक के द्वारा मेरी बुद्धि का नाश कर देना। जे व्याख्या करील से मनुष्य नहीं शक्ति, निमाई र मुखे रही बोले सरस्वती। कोई मनुष्य ऐसी व्याख्या नहीं कर सकता जैसे इसने किया है, लगता है कि निमाई के मुख से सरस्वती बोल रही है। एत भावी कहे सुन निमाय पंडित, तुम्हारा व्याख्यान सुनी हमें हईला में विस्मित। तो उसने कहा कि सुनिए निमाय पंडित, मैं आपकी व्याख्या सुनकर के विस्मित हो गया, अलंकार नहीं पढ़ा नहीं शास्त्राभ्यास, केवल ये सब अर्थ करी ल प्रकाश,
आप अलंकार नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो कैसे आप ये सब अर्थ कर दिए? यह सुनी महाप्रभु अति बड़ रंगी, तहारा हृदय जानी कहे करी भंगी। बड़े कौतुकी हैं चैतन्य महाप्रभु, कहते हैं शास्त्रे रो विचार भालमंद नहीं जानी, सरस्वती जे बोलाए बलित सही बाली। शास्त्र कुछ नहीं जानता हूं अच्छा बुरा, माता सरस्वती जो बोलाती हैं बोल देता हूं, वही बोलते हैं मेरे मुख से कहूं। सरस्वती जे बोलाए बलि सही बाली। यह सुनी दिग्विजयी करिल निश्चय, शिशु द्वारे द्वारे देवी मोरे कैल पराजय। तो उसको विश्वास हो गया कि इस देवी के द्वारा साथ, देवी ने इस बालक के द्वारा मेरी पराजय करवाई है। आज तारे नीले दिव करी जप ध्यान, शिशु द्वारे कैल मरे ए तापमान। आज मैं रात में माता सरस्वती की आराधना करूंगा, जप और ध्यान करूंगा और कहूंगा कि क्यों मेरा अपमान कराया। वस्तुतः सरस्वती अशुद्ध श्लोक कराई ला विचार समय तार बुद्धि अच्छा दिला। वास्तव में माता सरस्वती ने यह श्लोक उससे करवा दिया, थोड़ा गड़बड़ सरस्वती ने इस पर कृपा करने के लिए। तो तबे शिष्यगण सब हासित लागिल, तासभा निषेधी प्रभु कहते लागिल। कबीर कहिल, जब छात्रगण हंसने लगे तो चैतन्य महाप्रभु मना किए, क्योंकि वास्तव में सम्मानित व्यक्ति की हंसी हो तो उसके लिए मरण जैसा होता है। तो रोके और कवि से कहने लगे, तुम्ही बड़े पंडित महाकवि शिरोमणि, जार मुखे बाहिबार ऐच्छे काव्यवाणी, तुम्हारा कवित्व जैसे गंगा जलधार, तुम्हार सम कवि कोथा नहीं देखियार, भवभूति जय देव आर कालिदास, तासबार कवित्व आछे दोषेर प्रकाश, दोष गुण विचार एवे अल्प करिमानी, अविरुद्ध कवित्व च करणे शक्ति ताहा जे बखानी, शैशव चापल्य किछु न लवे अमार, शिष्यर समान मुई न है तुमार। अगर चैतन्य महाप्रभु कहने की तो कविता की बात अलग, मैं तो आपके शिष्य के समान भी नहीं हूं, कविता जो कर रहे हैं यही सबसे बड़ी बात है, आपकी कविता परम महान है। यही मत निज घरे गेला दुई जन, कवि रात्रि कैलस देवी आराधन, सरस्वती स्वप्ने तारे उपदेश कैल, साक्षात ईश्वर करी प्रभु के जनिल, प्राते आशी प्रभु पदे लैल शरण, प्रभु कृपा कैल तारे खंडिल बंधन, भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन, विद्या बले पाइल महाप्रभु र चरण, ए सब लीला वाणी आछन वृंदावन, ए सब लीला वाणी आछन वृंदावन दास, जे किछु विशेष इहा करिल प्रकाश, चैतन्य गोसाई लीला अमृतेर धार, सर्वेन्द्रिय तृप्त है श्रवणे जहार, श्री रूप रघुनाथ पदे जार यास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो दूसरे दिन आकर के सवेरे वे चरण में पड़े और शरणागत हुए, पर भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको मना कर देगा, आप कहीं मत कुछ कहिएगा। यहां उनको दर्शन दिए अपने भगवत्ता, अपने भगवान स्वरूप में। माता सरस्वती ने कहा कि जिससे तुम हारे हो चिंता मत करो, वे भगवान हैं, उनकी जाकर के शरण लो। केशव काश्मीरी भी एक प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता के, इतना बड़ा विद्वान शरण लिया। बड़े बड़े लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान माने उनके समय में ही, इसको महद अनुभव कहते हैं। जैसे रूप गोस्वामी पाद, और सबसे पहले अद्वैताचार्य, और भी राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जी, सबसे बड़े तो ये हैं। इन सबों ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान माना और एक विशेष उद्देश्य के लिए, अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान कृष्ण इस जगत में आए, आस्वादन करने के लिए भी और प्रचार करने के लिए भी।
ऐसे चैतन्य महाप्रभु का ये जन्मोत्सव है। वैसे यह ब्रज में तो होली है, उधर प्रसाद का शब्द सुनाई पड़ने लगा। ठीक है, यहीं बंद करते हैं। हाँ, कीर्तन करें, मैं यहीं पर विश्राम लेता हूँ। हरे कृष्ण, जय श्री।